बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ आज के दिन इनके 14 रजब के दिन का एक खास और मुजरी वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, और ये वजीफा बिलहसूस कुरानी सूरत सूरत यासीन पर मुनहसर है, जिसकी बहुत ज्यादा फजीलतें बरकात है। हदीस मुबारक के मुताबिक अल्लाह ने ये कायनात बनाने से 1000 साल पहले सूरत यासीन को तिलावत फरमाया। सूरत यासीन कुरान पाक का दिल माना जाता है। इसके बेशुमार बरकात हैं, और इन बरकात में से हम अपने मुशाहदे में आने वाली चंद बरकात आपके साथ शेयर करेंगे। तो सूरत यासीन के बेहद वज़ाइफ और अमाल है, जिनकी बिना पर आप अपनी मुश्किलात से निजात हासिल कर पाएंगे। मेरी बहनों और भाइयों, सबसे पहले हम आपको सूरत यासीन के बेहतरीन फायदे और बरकात शेयर करूंगी। सूरत यासीन का जो वजीफा सबसे आसान है, इसके लिए आप 10 मरतबा अव्वल और आखिर दरूद पाक पढ़ना है, और दरमियान में 1 मरतबा सूरत यासीन की तिलावत करनी है। और जब आप सूरत यासीन की आयत मुबारक सलामुन कौलम मिन रब्बी रहीम पढ़ाएं, तो मोहब्बत से जिक्र करें। इसके बाद आप सूरत यासीन की बाकी आयत को तिलावत करें, और इस आयत को सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़कर यासीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह की जात आपकी हर दुआ को सुनेगा, आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। मेरी बहनों और भाइयों, इस तरीके से यासीन पढ़ने की बहुत फजीलतें बहुत बरकात हैं। तो अब आपको सूरत यासीन की चंद बरकात शेयर करूंगी। तो सूरत यासीन को पढ़ने का पहला बड़ा फायदा, सूरत यासीन के वजीफे की बरकत से आपको बेहिसाब रिज़्क और दौलत हासिल होगी। घर में हर बरकत और अमनो सकून होगा। आपके कारोबार में बेहद तरक्की और कामयाबी हासिल होगी। कारोबार की बंदिश और रुकावट से आपको निजात मिलेगी। आपको आपकी हर हाजत हासिल होगी, हर मुश्किल गैब से आसान होगी। सूरत यासीन का वजीफा ना सिर्फ आपको हर हाजत के लिए करना है, बल्कि आप हर बीमारी से भी महफूज रहने के लिए कर सकते हैं, जादू जिन्नात से महफूज रहने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई लाइलाज बीमारी लाहक है, तो सूरत यासीन का वजीफा खुद करें, अपनी नियत से किसी से करवा लें, तो आपको शिफा होगी। इस तरह सूरत यासीन के वजीफे की बरकत से आपको ना सिर्फ काला जादू, नजरे बद, जिन्नात और साए से निजात मिलेगी, बल्कि आपकी जिंदगी इन तमाम चीजों से हमेशा के लिए महफूज रहेगी। आपका दुश्मन सूरत यासीन की बरकत से जेर हो जाएगा। आपकी जान, औलाद, घर, कारोबार, इज्जत हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहेगी। तो मेरी बहनों, सूरत यासीन को पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलतें बरकात हैं। तो आपने सूरत यासीन को आज नमाज असर के बाद इस तरह से पढ़ना है कि आप 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरत यासीन को पढ़ें, और सूरत यासीन की इस आयत सलामुन कौलम मिन रब्बी रहीम, जब आप इस आयत पर आएं, तो इस आयत को आप 10 मरतबा पढ़कर यासीन को मुकम्मल पढ़ें। आखिर में भी 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, और अल्लाह से किसी भी जायज हाजत और मकसद के लिए दुआ मांगें। इंशाल्लाह अल्लाह की जात आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगी, आपको तमाम तर बीमारियों से महफूज रखेगी, दुश्मनों से आपकी हिफाजत होगी। आप अल्लाह की जात से जो दुआ मांगोगे, आपकी वो दुआ जरूर कबूल होगी। तो मेरी बहनों, ये था आज 14 रजबुल मुरजब के दिन का खास अमल, जो आपने कुरानी सूरत यासीन का करना है, और इसी के साथ आपने ये अमल बिलहसूस नमाज असर के बाद करना है। इंशाल्लाह अल्लाह की जात आपको तमाम फैज़ो बरकात से मालामाल फरमा देगी। तो मेरी बहनों, आपको आज की ये हमारी मुख्तसर वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।